वो बच्चा कहाँ है आज? आज आरटीआई मारेगा ना, वो भी आप गवर्नमेंट से जो खा रहा है ना वो भी निकल जाएगा, पाप लगेगा। वर्कर्स लोग से तो बद्दुआ तो छोड़ो, जो ऑर्पिट एज बच्चा का नाम से आप खा रहे हैं ना उससे भी बद्दुआ लगेगा। जो आरटीआई मार सकता है, हम लोग को पब्लिक के लिए हीरो बनने आया वो बनने आया, हम लोग अपना वर्कर्स लोग को जहाँ तक हमारा आवाज़ नहीं पहुँच रहा है उनको हम लोग गेयरअप करने के लिए मीडिया में आया था, पब्लिक लोग भी सुन रहे हैं। जो आरटीआई मार सकता है उनका ऑर्पिट एज को आरटीआई मारो, लेबर कमिश्नर में जाके आप लोग आरटीआई मारो, यासी नालो सोनम का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम और उससे आगे कुछ बोलना नहीं चाहेगा, दोबारा हम ब्रीफिंग भी आना नहीं चाहेगा। ये औरत आदमी लोग तूतू में बहुत होता है, यूनियन इतना छोटा यूनियन, ये लोग काम नहीं करते, ये नहीं करते। हमारा आईसीडीएस के अंदर में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, हम लोग किस चीज़ को कैसे एंगेज करके कैसे अरेंजमेंट करके हम लोग काम करते हैं वो हम लोग जानते हैं ना। तो वो चीज़ को हम लोग यासीन वालों को पूछने का हम लोग को कोई जरूरी नहीं है, ना ही हम लोग दोबारा किसी को पूछेगा, ना ही हम दोबारा ब्रीफिंग के लिए आएगा। अगर आपको प्रेसिडेंट पोस्ट करना नहीं है तो चुपचाप से दे दीजिए। आपने रेजुलेशन पास किया, हम आज भी बोले डिस्ट्रिक्ट वाला लोग कौन कौन बेंजामिन होटल में था, कैसे रेजुलेशन पास करता है कि वो गया वाला चीज ऑडिट को हम पैसा को हम ऑडिट नहीं देगा? आप कैसे बोल सकते हैं उसको, कैसे रेजुलेशन पास कर सकते हैं? कहाँ का नियम है? हमने अब बायलो में नया रूल ऐड करेगा, क्यों ऐड करेगा? मेरा नाहर लगन का खाली दिखाया तना नोयनम, तुम इस ट्रेजरर है ना, तुम हमको अभी बताओ 72 वर्कर्स में हमने तुमको सिर्फ 67 आया बोला था, तुम बढ़ा के 128,000 कैसे उसके बढ़ाया है? तुम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे सराहनीय कदम उठाए गए हैं जिनको देखने के बाद अब आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की जो आशाएं हैं वो चरम पर पहुंच गई हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो आपने देखी होगी, फिलहाल ये इंट्रो पॉइंट था, पूरी वीडियो आप देखें। फिलहाल कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख करके पूछें, अब ये अपडेट पूरा देखें। मैडम का साथ में तुम्हारा चीज, तुमको क्या चीज मिला नहीं मिला आज मीडिया का सामने में हम नहीं बोलेगा, लेकिन तुमको एक स्कूटी दिया है ना इसलिए तुम उसको बोल रहे ना, खुद यासीन और तुम दोनों ने बोला है ना वो हमको मैडम ने स्कूटी गिफ्ट किया इसलिए तुम बोल रहे हैं। हमारा वर्कर्स लोग जो मैडम का ब्रीफिंग में हम उसको नहीं बोलेगा, उसका दिल दिमाग में वो लोग में एक अलग सोच बिठा के रखा है इसलिए मैडम का सपोर्ट कर रहा है जैसे हम लोग करता था ना। हमको बोला बेंजामिन होटल का बाद में नाहर लगन का 138 आया, नील से डायरेक्ट नील था, 138,000 आया। कैसे आया? बेंजामिन का होटल का समय में झगड़ा होके एग्री मैडम हम लोग निकल गया था तो कौन पैसा दिया आके? हम दिए? हम नहीं दिए। सब डिस्ट्रिक्ट का हम लोग को ऑडिट उठाया बोल के बेसरम जैसे तुम नैनम, तुम मैडम का सामने में तोता का जैसे क्यों रटते हैं? तुमको प्रिंट आउट करके दिया बोल के तुम आके कैसे बता सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट का 100, 1,000, 2,000 बढ़ गया बोल के तुम कैसे बता सकते हैं? तुमसे हम रिप्लाई चाहिए, हमको यासीन आरो से नहीं। तुम आईसीडीएस का डिपार्टमेंट का लड़की है ना, एक आंगनवाड़ी है तुम, नॉन आंगनवाड़ी नहीं। तुम हम लोग को रिप्लाई करने के लिए तुम वापस मीडिया में आओ या डिस्ट्रिक्ट वाला को बुला के तुम वो तुम्हारा उसको तुम्हारा ऑडिट को तुम क्लियर करो। तुम्हारा साथ में कौन है चीफ ऑडिटर उसको बुलाओ। तुम लोग का स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर तुम दोनों सिर्फ है क्या? यासीन नालो सोनम और क्या तना नोयनम सिर्फ है? हमको उसको बताओ। हम लोग सब उसी को ही चाहते हैं और कुछ नहीं। यासी को हम बोलेगा ही नहीं है, वो नॉन आंगनबाड़ी है। तुम प्रेसिडेंट बनो मत बनो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम हाथी हो शेर हो जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। तना नोयनम से हमको चाहिए क्योंकि तुम डिपार्टमेंट वाला है, तुम एक आंगनबाड़ी है, नॉन आंगनबाड़ी तो हो गए। जो अच्छा इंसान होगा वो अच्छा काम करेगा, गलत इंसान होगा पैसा खाने के लिए करेगा ही करेगा। हम दोबारा नहीं आएगा नैनम तेरा घर में, हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाला लोग आएगा, तुम देगा ये सब चीज़ वो भी मीडिया के सामने में। 6-7 महीना से हम सबको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। बोलता है ना सच को आप चीख चीख के बोलो, आपका सच को कोई नहीं सुनता है बोलता है ना। आप गलत इंसान झूठ को ना आप प्यार से भी बोलो ना उसको आदमी मानता है, बोला ना यही हो रहा है, ये सच दिख रहा है, ऊपर वाला भी जान रहा है, बोला ना अच्छा काम ऊपर वाला देख रहा है, वो देख रहा है। अगर गलत है तो आप खराब होगा या हम खराब होगा। मेरा नाम जिमी सिकोम, हम दापरेजे से है। क्या बोलते हैं, मेरा डिजिग्नेशन है स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ना, तो हम उस दिन क्या बोलते हैं प्रेस ब्रीफिंग में देखा था ये बहुत गलत बोला है, इसलिए हम थोड़ा जवाब देने आए हैं। हमको अकेला मौत नहीं आया, मौत सोचो मेरा पास 130 आदमी है दापरेजे से, इसलिए ये लोग भी चाहते हैं कि क्लियर करो ना। ये नैनम मैडम आप किस लिए इतना झूठ बोलते हैं ना? आप लोग किस्तान है बोलते हैं, किस्तान गली गली में किस्तान ये वो है बोलते हैं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ में किस लिए इतना बोलते हैं ना? ऐसे झूठ मत बोलो, गोद को तोड़ा धरो, जिसु को तोड़ा धरो। गली गली में आपका मैडम बोलते हैं दापरेजे 10 लेक्स आया है, जुमतू दुलम 8 लेक्स का दिया, अपना को 2 लेक्स समित किया बोला ना। फिर कल परसों क्यों बोला है कि 350, ये 350 क्या है? 100 है ना, रुपीस है ना, 1,000 है ना लेक्स है,
उसको बताना पड़ेगा, ऐसे झूठ मत बोलो। डिस्ट्रिक्ट टूर में भी साथ था, उसमें जितना भी कलेक्शन होता है, जितना भी दिन को कलेक्शन होता है